पूर्व सांसद पप्पू यादव को दरभंगा के डीएमसीएच से पटना रेफर किए जाने के फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है। फिलहाल पप्पू यादव का इलाज डीएमसीएच में ही जारी रहेगा। दरअसल पप्पू यादव को मेडिकल बोर्ड ने पटना के पीएमसीएच स्थित आईजीआईसी में इलाज के लिए रेफर किया था। पप्पू यादव को पटना लाने की प्रशासनिक तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन खुद पप्पू यादव डीएमसीएच में ही इलाज कराना चाहते हैं। बता दें कि पप्पू यादव ने डीएमसीएच अधीक्षक को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में डीएमसीएच अधीक्षक को कहा कि वो डीएमसीएच में ही अपना इलाज कराना चाहते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो यात्रा कर सकें। इन परिस्थितियों में अगर उन्हें पटना भेजा जाता है और कुछ बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार डीएमसीएच अधीक्षक होंगे। वहीं डीएमसीएच के अधीक्षक ने बताया कि पप्पू यादव को हार्ट में थोड़ी सी परेशानी है, जिसका एडवांस चेकअप पटना में ही संभव है। फिलहाल पप्पू यादव का इलाज डीएमसीएच में ही जारी रहेगा, लेकिन आगे उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा जाना जरूरी है। तो कल भी हमने एक डेढ़ घंटा यहाँ बैठ के गया तो कल बोले थे हम जो स्थिति सामान्य है, लेकिन वो हमें क्लिनिकली कहा था देखकर। आज मैं जांच कराया हूँ, हर तरह का जांच कराया हूँ, ब्लड का जांच, ब्लड में जिस तरह का होता है, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया सब पूरा, सीबीसी अल्ट्रासाउंड हुआ है, एक्सरे डिजिटल एक्सरे हुआ है, हार्ट वाले को बुलाया हूँ डॉक्टर साहब को, वो भी अपना देखे हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो सब चीज में गड़बड़ी है उनकी। सबसे पहले तो ओबेसिटी है, कहा गया है जो ओबेसिटी इज इटसेल्फ ए डिजीज है, ओबेसिटी इज इटसेल्फ ए डिजीज। उसके बाद ब्लड शुगर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, रीनल स्टोन है राइट साइड में 8 point something का, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो केयर करने की जरूरत है। और दूसरा खाना वो नहीं खा रहे थे, तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है जो खाना आप शुरू कीजिए, थोड़ा सा डायबिटिक वाले को ऐसे भी फास्टिंग में नहीं रहना चाहिए, ब्लड शुगर लो होने का भी चांस रहता है। तो यही है स्थिति। पप्पू यादव को पटना पुलिस ने पिछले मंगलवार को उनके पटना स्थित आवास से लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया था। बाद में मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाने में वर्ष 1989 में दर्ज एक मामले में फरार रहने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करके मधेपुरा पुलिस को सौंप दिया गया था। दरभंगा से सुनील भारती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।